एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लाइव की तरफ। आज की वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि बकरे तो हम आपको बहुत दिखाते हैं कि कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए, कैसे क्या होगा, लेकिन आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही खास होने वाली है कि बकरों की बीमारी के रिलेटेड ये वीडियो है। और इंशाल्लाह ताला कि आप बकरा जब भी परचेज करें ये चीज़ देखें, गौर करें कि कहीं आपके बकरे में ये सिम्टम्स या ये बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो उसको क्या किया जाए और कैसे उसको सही किया जाए, इसके बारे में आपको इंशाल्लाह आज नॉलेज मिलेगी। और ये बीमारी का नाम है निमोनिया। तो इंशाल्लाह ताला इसमें कितने अच्छे से इलाज आप कर सकते हैं, और बकरों को लाते ही साथ ये बीमारी तो आती ही आती है मोस्टली बकरों में, उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है, हवा पानी वगैरह चेंज होता है, तो बहुत से बकरों में हम देखते हैं कि ये बीमारी आ जाती है। तो प्रिकॉशन में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला ये डिटेल में बताया जाएगा। और जो भी ये बीमारी में अच्छे से अच्छा इलाज होगा तो इंशाल्लाह ताला हम वो बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हैं अकरम भाई के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इसका इलाज क्या अच्छा है और प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, और हाई डोज लो डोज ये एक एक डिटेल पूरी ये बीमारी की इंजेक्शन की डिटेल और बीमारी का रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। चलते हैं अकरम भाई के पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई। आज ये हम वीडियो बना रहे हैं जी। तो कुछ बकरों में बीमारी आई है निमोनिया की जी। तो ये क्यों आती है और कैसे इसका प्रिकॉशन लिया जाता है, आप ये बताइए पहले रिजवान भाई। सबसे अहम चीज़ ये बताना चाहूँगा इस बीमारी में जो मेरे पास इस वक्त ये जो बकरे और बकरे मैंने अलग किए हाँ ये 5 नर है हाँ। और भाई मैं कंफर्म ये बोलता हूँ कि इनको PPR हो गया है, ये देख सकते हो बराबर ये PPR ही है। और ऐसा नहीं कि ये PPR नहीं है हाँ। आप सोचेंगे गर्मी है अकरम भाई निमोनिया नहीं होता है, PPR नहीं होता है, तो ये सब चीज़ गलत बात है। जो सामने है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिजवान भाई। मेरे ये बाड़े में जितने भी बकरी और बकरे हैं 5 नर हाँ। फिलहाल अलहमदिल्ला ये सब माशाल्लाह अभी अच्छे हैं, बट इनको PPR ही हुआ था, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैंड हो गए माशाल्लाह। इनको जो सर्दी की कंप्लेंट मैटर था हाँ। वो कम हो गया है, और मुंह में जो अपनी गंदगी से छाले वगैरह हो जाते हैं हाँ। वो फेस वगैरह इनका बहुत कम हो गया है, खाना पीना भी माशाल्लाह अभी स्टार्ट स्लो हो गए। अच्छा जी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी होता है निमोनिया में कि ना सिर्फ जानवर को सर्दी है बल्कि उसका टेम्परेचर हर वक्त दिन में 2 से 3 बार आप चेक करो हाँ। और इंशाल्लाह मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि किस बीमारी का किस तरह से सिस्टमेटिकली स्टेप बाई स्टेप किस तरह आप उस पर वर्क करें, इंशाल्लाह कि कौन से इंजेक्शन कब देने किस तरह देना है, इनको सफाई से लेकर हर चीज़ कब क्या करनी है किस तरह करनी है वो आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। और इसका प्रिकॉशन क्या लिया जाता है, जैसे अभी आप उन बकरा लाए जी और उसको बीमारी नहीं है ये हाँ। अपने को मालूम है ये बीमारी मोस्टली आ जाती है हाँ। तो प्रिकॉशन के तौर पर कुछ है इसका इलाज? प्रिकॉशन के तौर पर रिजवान में इसका इलाज ये है सिर्फ अगर मान लो मेरे पास माल आया हाँ। मैं उसे 2 से 3 दिन पत्ती हरी पत्ती पे रखूं हाँ। जब वो स्टेबल हो जाए उनकी थकान वगैरह दर्द जो भी पेन वगैरह है उनकी बॉडी का निकल जाए हाँ। उसके बाद इनको वैक्सीन सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो इनको होगी वो PPR की ही अपने को देनी है PPR की हाँ। आप ये मत समझो कि कौन सा मौसम है क्या है हाँ। सबसे फर्स्ट उनको वैक्सीन जो लगेगी हाँ। अपने यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद हाँ। उनको PPR सबसे पहले आपको उसके 21 दिन के बाद आप FMD दे सकते हैं, ETV प्लस TT दे सकते हैं, या और जो 4 वैक्सीन है अलहमदिल्ला इनको 4 वैक्सीन लगती है, लेकिन फर्स्ट जो वैक्सीन आपको देना है वो PPR देना है। और इंशाल्लाह वो देने के बाद ऐसा कोई मैटर नहीं आएगा, अगर सर्दी हो भी जाएगी इंशाल्लाह तो वो PPR में कन्वर्ट नहीं होगी, इतनी आगे वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल इंशाल्लाह सर्दी होकर वो ख़त्म हो जाएगी। बराबर हम इसका इलाज आपको बताएंगे जो PPR का मेन इलाज है हाँ। और बहुत से अपने जो रहते हैं बकरा पालने वाले जी। वो बकरा लाते ही साथ उनको दाना खिलाने लगते हैं, वो क्या सही होता है? बिल्कुल गलत है, असल में जानवर आता है थके से 36 घंटा 24 घंटा 48 घंटे के सफ़र में आता है रिजवान भाई, पूरी बॉडी वेट इनका कम हो जाता है हाँ। उनके हर चीज़ बदन बॉडी का पानी भी कम हो जाता है हर चीज़, मतलब बकरा बहुत ही ज़्यादा बकरा हो या बकरी हो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है।
इसकी वजह से हम अगर उसको दाना देंगे वो एकदम अपनी भूख की शिद्दत से इतना ज़्यादा खा लेगा कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पागुल पे नहीं आएगा, फिर वो दाना फूड पॉइजन में तब्दील होगा अंदर, वो सड़ेगा, फिर निमोनिया होगा, फिर लूज मोशन होगा। तो इससे ज़्यादा दाना डायरेक्टली दाना देने से उनको ये सब बीमारियाँ आगे आगे आहिस्ता बढ़ते जाएगी। लूज मोशन से निमोनिया आएगा, निमोनिया से फिर और कुछ आगे आएगा, स्टेप बाई स्टेप वो ठीक होते जाएगा। तो आप दो दिन तक पत्ती पे दे तो ज़्यादा अच्छा है। दो से तीन दिन, मतलब तीन दिन की आप लोगों को बोलूँगा। उसके बाद आप लाइटली थोड़ा थोड़ा अनाज के साथ, पत्ती के साथ उसको देते रहो। इंशाल्लाह एक हफ्ता गुजर जाए तो फिर आप जितना माशाल्लाह आप खिला सकते हो उतना खिलाइए, और उसको जो भी है लीवर टॉनिक और भूख का टॉनिक सिरप वगैरह माशाल्लाह दीजिए नए जानवर को। तो अभी हम देखेंगे इसका इलाज, देखेंगे आप जी। चलिए आइए देखिए रिजवान भाई, आपको इसका जो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि मैं जैसे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, निमोनिया PPR में आज मैं मेरी बात नहीं, हर किसी की बात कर रहा हूँ भाई, जो भी इलाज वगैरह करता है वो सिर्फ सर्दी पे ही कॉन्सेंट्रेट पूरा करता है कि मेरे बकरे को सर्दी है, मैं इसकी सर्दी ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ रिजवान भाई कि सर्दी के अलावा कम से कम दो से तीन बार उसकी डिग्री चेक करें। अगर उसका फीवर सही रहेगा तो इंशाल्लाह ये जो उनको छाले वगैरह मुंह में जो सड़न होती है वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ये बॉडी हीट होने की वजह से ही होती है। और जानवर कुछ खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता, ये अंदर ही अंदर बॉडी गर्म रहेगी, बुखार आएगा, तो इन्फेक्शन पेट का पूरे मुँह में आ जाता है, और बकरा इसके ही वजह से फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो इसके लिए बराए मेहरबानी मैं ये बोलूँगा मेरे सभी दोस्तों भाइयों से, PPR में ना सिर्फ आप सर्दी पे ध्यान दें बल्कि फीवर पे भी ध्यान दें प्लीज़। और मैं इंशाल्लाह जो एक स्टेप होती है और हमें इसका इलाज भी प्राइमरी स्कूल से ही करना है, ना कि डायरेक्टली कॉलेज जाना है। बराबर जी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे तो वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, हाँ बताइए रिजवान भाई। ये छोटा टाजो इंटरसेप्ट टाजो है, पर हेड बकरे को, बकरी को पूरा एक देना है। पूरा एक देना है जी। कितने ग्राम का ये? ये 5 to 50 mg का। हाँ 5 to 62 mg का। आप बैठ के वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा इंटरसेप्ट टाजो। इंटरसेप्ट टाजो वेटरिनरी, हाँ कोई भी मेडिकल पे इंशाल्लाह आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ। और इसमें प्लस करना है डेक्सोना। डेक्सोना वो है अपने पास, वो भी है, आपको भी देखा डेक्सा देना है। ये कितना ml लगेगा? क्वान्टिटी सिर्फ 1 to 1.5 ml। एक से डेढ़ डेढ़ एम बराबर। ये हम मिला लेंगे, इस तरह लिक्विड हो जाएगा, डिकोल हो जाएगा। बराबर, ये रेडी हो गया इंजेक्शन। ये लेंगे, ये पर हेड बकरे का है। हाँ रिजवान भाई, और इसको मसल्स में नहीं देना है। हाँ ये इसको इंशाल्लाह IV हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बेटर है। IV अगर देखें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मैं आपको IV में देखने बता देता हूँ उसका तरीका भी क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए ये अब हम इसको नस में देने जा रहे हैं इंजेक्शन। अब इसकी नस ढूंढने का तरीका आप देख लीजिए, कमजोरी से भी नस बहुत आवाज होती है। हाँ ये बकरी को देखो, ये नस आ गई है, ये इंजेक्शन खून निकला इसके अंदर से। ये IV का तरीका ये है रिजवान भाई। हाँ माशाल्लाह IV से बहुत फास्ट रिजल्ट होता है, और ऐसे नाजुक जानवर को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ कौन सा ट्रीटमेंट हुआ। माशाल्लाह कोई इसको फर्क भी नहीं पड़ता है, ना आवाज़ करेगा ना कुछ करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बेहतरीन मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन इलाज इसका यही है। और इसकी साफ सफाई का ख्याल ये रखना है, इसके दिन में 7 to 8 बार नाक साफ होना चाहिए, मुंह साफ होना चाहिए, नाक मुंह, और गर्म पानी करके अगर हम धो भी लेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा। और इनके छाले के लिए बोरिक एसिड पाउडर और ग्लिसरीन डिकोल करके इनके मुंह में नाकों पे अच्छे से लगाए, इंशाल्लाह ये रिकवर 2-3 दिन पे तो नहीं होगी, मगर इंशाल्लाह हफ्ते भर में ये सब बकरी और बकरे माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर एक हफ्ते में रिकवर होंगे। ये आज मेरे तीन दिन के इलाज में माशाल्लाह इतना फर्क रिजवान भाई पड़ गया। जानवर अब खाना ऐसा मांगता है कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल उसे मैं सिर्फ ओरल पे रखा हूँ बराबर, ताकि वो खाना फिर खाए फिर प्रॉब्लम आए क्रिएट करेगा, इसलिए अभी सिर्फ उसको ओरल पे रखा हूँ रिजवान भाई। ये माशाल्लाह PPR का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एक चीज़ केस बढ़ती है,
खापता है बकरा, फेफड़े जो उसके लंग लग जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इंटरसेप्ट ताजो नहीं लेंगे अपन उसकी जगह, उसके ऊपर का फार्मूला सेफ्टी ऊपर में आता है जायरो पर ताजो, वो हम लेके इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, तो वो भी सेम कंडीशन के अलावा अगर आगे हाई लेवल पे भी इलाज चले जाएगा तो इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इसका ये इलाज है रिजवान। और सबसे अहम चीज़ इसकी साफ़ और सफाई, सबसे अहम साफ सफाई करना ज़रूरी है, ये साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने किया है ये देख सकते हैं बराबर, आप बोलेंगे नहीं इसको पीपीआर है या अभी है था बराबर, ये चीज़ें है रिजवान भाई, ये भी आप जानना देंगे, ये भी माशाल्लाह बहुत स्टेबल हो गया है बराबर, ये है इंशाल्लाह ये भी दो तीन दिन माशाल्लाह सब रिकवर हो जाएंगे, इसके बाद फिर इनके जो भी टॉनिक वगैरह हमें देंगे रेगुलर तरीके से दे सकते। अगरम भाई आपने ये फीवर का इंजेक्शन वगैरह नहीं मारा इनको? हाँ फीवर का मैंने नहीं मारा रिजवान भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको असर लग रहा है? फिलहाल मैंने डिग्री सबका टेम्परेचर चेक किया है, किसी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फीवर नहीं है हाँ। इसलिए मैंने उनको फीवर का इंजेक्शन नहीं मारा बराबर, नहीं है फीवर तो मैंने नहीं मारा है बराबर, मगर आगे के जो फर्स्ट और सेकेंड दिन थर्ड दिन रहते हैं उनमें ये चीज़ देना ज़रूरी है बराबर जी रिजवान भाई इंशाल्लाह। तो अभी ये जो टाइजो और डेक्सोना ये निमोनिया के बेस्ट इलाज है हाँ, आईवी में ताकि मसल्स में देना है, आईवी इलाज करना है और भाई सुबह शाम देना है दो टाइम देना है बराबर। ओके चलो अस्सलाम वालेकुम।